3 दिन IPCA चला दिया जाए, 300 कम से कम धारा। जैसे CRPC तो अब लगभग माने आधा से अधिक हो गई है, आपका काम कर जाएगा। शुरुआती दौर में लोग पढ़े भी रहते हैं, संविधान और CRPC और आपका, देखते हैं बताएंगे पहले आपका। बैठिए भाई, CRPC में देखिए, उधर लास्ट तक आपका CRPC में पढ़ा दिया गया है, अब इधर आपका शुरुआती दौर से शुरू करना है हमें। CRPC में अब आपका ये शुरुआती दौर से CRPC में हमें शुरू करना है। एक आपका शुरुआती दौर में जो सामान्य बातें हैं आपका, वो देखा जाता है कि CRPC का निर्माण की डेट 25 जनवरी 1974। इसके बाद प्रवर्तन तिथि पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1974 मार्क कराइए, यानी कि CRPC किस तारीख को लागू हुई, तो 1 अप्रैल 1974। इसके बाद आपका विस्तार से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है, ये आपका काट देना है बेरेक में, वर्तमान समय में। अब ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी आपका लागू है, लेकिन आज भी दो क्षेत्रों में लागू नहीं है। वहीं पूछा जाता है कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र, लेकिन लेकिन भी लगाना है कि 3 ऐसे अध्याय हैं जो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू है, आपका 8, 10, 11। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था उत्तराखंड में, इतना घुमा दिया था, तो घुमाएगा तो आप सतर्क रहिएगा। 3 अध्याय कम से कम याद रखिए, 8, 10, 11। ये आपका ये अध्याय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी क्या है, लागू। ये क्वेश्चन सीधे नहीं आता, काफी घुमाता है। फिर आपका पूछा गया था उत्तराखंड में कि जनजातीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो वो भी याद करना पड़ेगा। जो क्षेत्र 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान के 6वीं अनुसूची के पारा नंबर 20 में थे, वहीं जनजातीय क्षेत्र माने जाएंगे। ये जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी बन चुका है। इसके बाद आपका धारा 1 समाप्त हो गई, आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसके बाद आपका पूछी जाती है धारा 2। सेक्शन 2 से हमें लगता है कि क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, 2 क्वेश्चन बनने का चांस रहता है सेक्शन 2 से। और परिभाषाएं तो भाई याद ही करनी पड़ेगी, अब यह कि जो पहले से न पढ़ा उसके लिए तो दिक्कत है ही, इतनी परिभाषाएं अचानक, तो भाई जो पहले से न पढ़ा हो उसके लिए दिक्कत है, लेकिन जो पहले से पढ़ा है उसी के लिए केवल रिवीजन कराया जा सकता है। अब देखिए, एक एक परिभाषा को शुरू किया जाए। पहली परिभाषा आपका 2A में जमानती और अजमानती अपराध की परिभाषा दी गई है, तो ऐसा अपराध जिसे प्रथम अनुसूची के तहत जमानती के रूप में दिखाया गया है, या तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जमानती बनाया गया है, वह जमानती अपराध होगा, और अन्य जो अपराध होंगे वे अजमानती। कल ही मैं बताया था कि जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक बेलेबुल और दूसरा नॉन बेलेबुल। बेलेबुल ऑफेंस में जमानत पाना अधिकार होता है, नॉन बेलेबुल में न्यायालय का विवेकाधिकार। बेलेबुल में 436 के तहत जमानत, नॉन बेलेबुल में 437, 438, 439। फिर धाराएं एक बार याद रखिए, 436 में जमानत न्यायालय और पुलिस अधिकारी दे सकता है जमानती अपराध में, 437 में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, 438 में अग्रिम जमानत अजमानती अपराध में हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय, 439 पूछा गया था उत्तराखंड स्पेशल पावर किन कोर्टों को है, 2 सत्र न्यायालय
और हाई कोर्ट, जमानत देने की भी और निरस्त करने। इसके बाद 436A, अगर आधा समय व्यतीत कर चुका है तो सामान्यतः जमानत दे दी जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है उसे अधिक दिन तक नहीं रखा जाएगा। फिर 437A भी पूछी गई है कि विचारण या अपील न्यायालय बांड मांग सकता है कि अपील न्यायालय जब बुलाएगा तो वहाँ क्या हो जाना अभियुक्त तुम हाजिर, ये बांड कितने दिनों तक काम करेगा, 6 माह। वो याद रखे समय मैं बताया था कितने दिन। कौन मांग सकता है, ट्रायल कोर्ट की, अपीली कोर्ट की, दोनों दोनों कि जब ऊपर अपील होगी और अपील न्यायालय तुम्हें क्या करेगा, वहाँ बुलाएगा तो तुम क्या होना हाजिर। इसके बाद आपका ये टू बी, हाँ केस याद रखिएगा जमानत पर, आपका मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस पूछा गया है, बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इसके बाद टू बी आ जाइए, आरोप की परिभाषा दी गई है, आरोप के अंतर्गत जब एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष आता है। टू सी में संज्ञेय अपराध, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, संज्ञेय अपराध परिभाषित है कि संज्ञेय मामला यानी कि कांग्निजेबल ऑफेंस की कांग्निजेबल मैटर की दोनों दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जहाँ की पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार। इसके बाद टू डी परिवाद से क्वेश्चन बनता है, परिवाद से क्वेश्चन आपका बना है और स्पष्टीकरण से जाकर बना है। आपका जो क्वेश्चन पिछली बार आया, कंप्लेंट कहाँ दर्ज की जाती है, मजिस्ट्रेट के पास, लिखित हो सकती है कि मौखिक, दोनों। इसके बाद अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है कि अपराधी का नाम ज्ञात भी हो सकता है, ज्ञात भी। कार्यवाही की मांग की जाती है मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए क्या है, बाध्य है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाती है कि नहीं, नहीं मानी जाती। जो क्वेश्चन बना था कि परिवाद किस अपराध में, संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों दोनों, परिवाद FIR केवल संज्ञेय, NCR असंज्ञेय, लेकिन कंप्लेंट किस अपराध के लिए बना था पिछली बार, कांग्निजेबल ऑफेंस में भी और नॉन कांग्निजेबल। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक बना है, बिहार मेंस में बना था, इसके पहले आपका APO में और UP में भी बना है कि कब पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा। तो डीम्ड आपका, इसको डीम्ड कह देते हैं, डीम्ड कंप्लेंट पूछ सकता है, जैसे ही माना जाएगा आयत या समझा जाएगा तो वहाँ शब्द कौन लगा लेना है, डीम्ड या मानद, वास्तविकता नहीं है। तो अगर पुलिस ने किसी अपराध का स्वतः अन्वेषण किया, 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी और पुलिस ने ये लिख कर भेजा कि हजूर जो अपराध हुआ है वह असंज्ञेय हुआ है, नॉन कांग्निजेबल, तो ऐसी कंडीशन में वह पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और जिस पुलिस वाले ने रिपोर्ट भेजा जाएगा वह परिवादी माना जाए। एक लाइन बस याद रखना है आपका। 2D के बाद आ जाइए, परिभाषा अगली देखी जाए, 2 आपका ई आ जाइए, 2E में उच्च न्यायालय परिभाषित हैं, छोड़ सकते हैं, 2F में भारत परिभाषित है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत का मतलब क्या हुआ CRPC के तहत, तो जिस एरिया पर CRPC का क्या है विस्तार, तो अभी हमने विस्तार बताया, फिर एक बार बताइए, सामान्यतः संपूर्ण भारत पर लागू है, 2 क्षेत्रों के सिवाय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र, लेकिन 3 अध्याय यहाँ भी लागू है, याद करके जाइएगा 8, 10, 11। इसके बाद आपका 2G, जांच पूछी जाती है कि जांच की परिभाषा किस धारा में, 2G में, जांच विचारण से क्या होती है भिन्न, जांच कौन करता है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जांच का उद्देश्य क्या होता है,
किसी घटना की वास्तविकता का पता लगाना जांच में शपथ दिलवाई जा सकती है। यानी कि ट्रायल के अलावा जितनी भी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट या न्यायालय करते हैं वह जांच मानी जाएगी। अब जो क्वेश्चन बना है, संज्ञान किस नेचर का 190 में, जांच के नेचर का 125 पर क्वेश्चन बना है, सीआरपीसी मेंटेनेंस। तो चूंकि विचारण है नहीं और मजिस्ट्रेट वह कार्य कर रहे हैं, तो विचारण से भिन्न प्रत्येक कार्यवाही जो न्यायिक हो और न्यायाधीश न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए उसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, जांच। संज्ञान हो गया आपका। तो विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, आरोप के विरचन से, यानी कि आरोप के निर्माण के पूर्व न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो भी न्यायिक कार्य, प्रशासनिक नहीं, जो भी न्यायिक कार्यवाही करते हैं वह क्या कहलाएगी, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी पुलिस नहीं करती, याद रखिए, कौन करती है, करता है आपका मजिस्ट्रेट करता है, या कौन करता है आपका न्यायालय, न्यायालय लिखा है मजिस्ट्रेट या न्यायालय। ये पूछा गया कि जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय दोनों, दोनों। जांच का उद्देश्य तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना। इसके बाद 2H में पूछा जाता है आपका, इन्वेस्टिगेशन पर कई बार क्वेश्चन बना है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस अधिकारी या आपका दूसरा कौन कर सकता है अन्वेषण, तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति, यानी कि या तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज अन्य व्यक्ति। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बना है कि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 3-4 बार यही क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, एविडेंस को कलेक्ट करना, यानी कि साक्ष्य को एकत्र करना, यही अंडरलाइन करके जाना है कि इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या विवेचना का आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट करना। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन बना है, अगर मामला संज्ञेय है, उसको अलग से लिख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है, अगर मामला कांग्निजेबुल या संज्ञेय या गंभीर है तो पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी, दोनों याद रखिए। तो किस मामले में, मॉडल देखिए क्वेश्चन का, किस मामले में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी, तो कौन सा मामला मारेंगे, संगे। और अगर क्वेश्चन बने कि किस मामले में पुलिस केवल और केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकती है, तो आपका असंगे नान कांग्निजेबुल, ये क्वेश्चन आ चुका है एपीओ में इत्यादि में, हो सकता है पूछ ले। इसके बाद आ जाइए टू, हम आई देखते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी क्वेश्चन एपीओ में आया है कि न्यायिक कार्यवाही किसे माना जाएगा, तो ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, माने संभावना है, भले लिया ना गया हो लेकिन साक्ष्य किस पर लिया जा सकता है, शपथ पर। इसके बाद आपका स्थानीय अधिकारिता आप छोड़ सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन बना है कि लोकल जुडिक्शन 2J में परिभाषित है, कौन निर्धारित करता है, तो राज्य सरकार, एक क्वेश्चन एपीओ में, जे में कम चांस है वैसे, लेकिन कौन निर्धारित करती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो महानगर क्षेत्र क्या होंगे, आपका जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है, समझा गया मतलब 4 शहरों को मेट्रोपॉलिटन एरिया सीआरपीसी मानकर चलती हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। अन्य क्षेत्रों की घोषणा धारा 8 में की जाती है, राज्य सरकार करेगी,
आबादी याद रखिएगा, 10 लाख से क्या हो ऊपर कम न हो, 10 लाख या 10 लाख से क्या हो ऊपर प्लस राज्य सरकार मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या करे घोषित, इतना याद रखिए। इसके बाद आपका 2L असंगे अपराध पूछा जाता है या असंगे मामला, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसका एक अपवाद है पूछा गया है सेक्शन 42। तो 2L का एक्सेप्शन पूछा जाए कहाँ दिया गया है, 42 में दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, पहला ये क्वेश्चन बनता है कि असंगे अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, इसका प्रावधान किस धारा में, तो 42 में है। कब गिरफ्तार करेगी, जब कोई व्यक्ति असंगे अपराध पुलिस की उपस्थिति में करता है या पुलिस की उपस्थिति में तो नहीं किया है लेकिन अभियोग लगाया जाता है कि इन्होंने ये अपराध किया है। उद्देश्य पूछा गया तो सही नाम तथा क्या जानने के लिए निवास, याद रखिए किस उद्देश्य के लिए असंगे मामलों में सही नाम तथा निवास। ये आइए देखा जाए अगला आपका अधिसूचना छोड़ दीजिए, 2N से ज़्यादा क्वेश्चन बना है, ऑफेंस की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2N में। कई बार ये क्वेश्चन बना है पीओजे में, गलत ना हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, फिर एक बार समझिए इसको, जब भी पढ़िए तो आईपीसी की धारा 40 से जोड़कर पढ़ना है, 40 से। अपराध को स्पष्ट किया गया है आईपीसी के सेक्शन 40 में और डिफाइन किया गया है सीआरपीसी की धारा 2N। एमपी में दोनों आया और एक चुनना था परिभाषा, तो 2N चुनेंगे, क्योंकि आईपीसी आपका साधारण स्पष्टीकरण है जबकि सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से हेडिंग परिभाषा दी। अगला क्वेश्चन जो आपका बना है अपराध की परिभाषा में अंदर जाकर बना है, और अंदर जाकर जो बना है वह आपका जो बना है कह सकते हैं कि अपराध का मतलब क्या हुआ, वो क्वेश्चन जाकर बना है। देखिए थोड़ा बेरेट की भाषा, अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो वर्तमान समय में लागू कानून द्वारा कोई कार्य या लोप एक्ट या ओमिशन को दंडनीय बना दिया गया है वह अपराध माना जाएगा, चाहे वो आईपीसी सामान्य विधि हो या कोई स्पेशल विधि या लोकल ला, तीनों के तहत माने जो भारत में क्या हो लागू। एक और आपका छूट जाता है लोगों द्वारा, क्योंकि ऑप्शन दोनों दिया है। एक और देखिए आपका परिभाषा में, ऐसा कार्य जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सके, परिवाद किया जा सकता है, वे भी अपराध माना जाए। तो अब पूछा गया तो दोनों मार कराइएगा, जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय हो, जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा याद रखिएगा 20 के तहत क्या किया जा सकता है कंप्लेंट, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो जो नए लड़के रहते हैं पहला ऑप्शन मार कर आ जाते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन भी क्या है सही है धारा। अगला ये आपका, इसके बाद अपराध के बारे में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस माने राज्य सरकार बनाती है, इसके बाद प्ले से एक बार क्वेश्चन बना है, जे में तो नहीं बना लेकिन एपीओ में बना है कि प्लेस या स्थान शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2P में एक बार बना है कि प्लेस में क्या आता है, तो ग्रेवी आता है, कोई भवन भी, तंबू भी, यान भी और जलयान भी, तो ऑप्शन देता है इनमें से तीन देगा,
चौथा देगा उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारकर ज्यादातर आ जाना है, इसमें से कितना देगा? तीन। अगला देखिए आपका, कह सकते हैं प्लीडर, तो प्लीडर का मतलब ये हुआ कि जो आपका कह सकते हैं कि दूसरे की बातों को कहाँ रखता है, न्यायालय में, और जो आपका प्लीडर के रूप में प्राधिकृत हो यानी कि अधिवक्ता। इसके बाद टू आर से क्वेश्चन बना है कि पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है, टू आर में। पुलिस रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजी जाती है, 173(2) के तहत। फिर पूछा गया है पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की, दो प्रकार। एक आपका हो गया चार्ज शीट या चालान शीट या आरोप पत्र, और दूसरा जो प्रकार है फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट। तो दो प्रकार मारिएगा पूछ ले। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है, पूछा गया है टू आर। पुलिस रिपोर्ट किसे माना जाएगा जो पुलिस द्वारा किस धारा के तहत, 173(2), कितने प्रकार की, दो। चलिए आगे देखिए, पुलिस थाना अब सरकार घोषित करे। इसके बाद प्रेस्क्राइब्ड आपका टू टी में है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब कि आपका हुआ नियमों द्वारा प्रेस्क्राइब, जो नियम बनाए जाते हैं। तो हाई कोर्ट की धारा के तहत नियम बनाता है 477। एक लाइन याद रखना कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत उच्च न्यायालय रूल बनाता है, तो आपका जवाब रहेगा 477। इसके बाद आ जाइए लोक अभियोजक। इसके पहले वाले एपीओ में आया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या हुआ, इसमें तोड़ तोड़ कर दिया था खंड वाइज। लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील, पहला नियम याद रखिए। लोक अभियोजक वह व्यक्ति होता है जिसे सरकार ने धारा 24 के तहत अपॉइंट किया हो, पहला नियम याद रखिए। दूसरा नियम याद रखना है कि लोक अभियोजक वह भी माना जाएगा जो लोक अभियोजक के निर्देश में कार्य करता है, यानी कि सरकार ने ए को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया और ए ने बी से कहा कि हमारी ओर से न्यायालय में हम निर्देश देते हैं कि तुम जाकर मामला हैंडल करो, तो बी को सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है, फिर भी बी आपका लोक अभियोजक माना जाएगा। यही क्वेश्चन आपका बना है। या तो धारा 24 के तहत सरकार ने क्या किया हो अपॉइंट, या ऐसे अपॉइंट हुए व्यक्ति के निर्देश में कार्य करने वाला, दोनों मार्क कराइएगा। लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत, 24 के तहत। अनुभव पूछा जाता है, 7 साल का अनुभव अधिवक्ता के रूप में, और जैसे ही विशेष लोक अभियोजक आ जाए 10 साल। ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं, आपका सामान्य बातें हैं। इसके बाद आ जाइए लोक अभियोजक के बाद आपका सब डिवीजन नहीं पढ़ना है, इधर की अब तीन परिभाषाएं अच्छे से पढ़ना है। टू डब्लू में समन मामला परिभाषित है। कई बार पूछा है कि समन मामला क्या होगा, तो ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित हो जो वारंट मामला न हो। तीन चार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, समन मामले की परिभाषा किस धारा में, टू डब्लू में। तो समन मामला कौन होगा, पहले दंड की मात्रा पर न जाइएगा। सबसे पहली वरीयता बेरेट की भाषा का चार ऑप्शन देगा। सबसे पहले वरीयता किसको देनी है, बेरेट की भाषा, जो वारंट मामला न हो। अगर ये शब्द न रहे तब मैं उपाय दूसरा बता रहा हूँ। अब आपका पहले वारंट मामला परिभाषित कर दिया जाए, और जो वारंट मामला नहीं होगा वही टू डब्ल्यू में क्या होगा, समन मामला। तो वारंट मामले की परिभाषा टू एक्स में दी गई है। देखिए बेरेट की भाषा टू एक्स, ऐसा मामला जिसमें दंड मृत्यु दंड हो, आजीवन कारावास हो, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो, वह वारंट मामला होगा। यानी कि मृत्यु दंड है तब भी वारंट मामला, आजीवन कारावास की सजा है
तब भी वारंट मामला और 2 वर्ष से अधिक। अब आप लोग निकाल कर बताइए, समन मामला आसान हो जाएगा। ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम दंड हो, चाहे जुर्माना सहित या रहित, या केवल जुर्माने का दंड हो, वे मामले ही समन मामले माने जाएं। बस एक लाइन, 2 साल या 2 साल से क्या दंड हो कम, तो क्या माने जाएंगे समन, और 2 वर्ष से अधिक का दंड हो तो वारंट। आपका इसके बाद पीड़ित की परिभाषा पूछी जाती है, विक्टिम या आहत या पीड़ित कहिए, तो विक्टिम, या बिहार देगा तो आहत लिखेगा। विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है, उत्तराखंड जो पिछली बार जे में बनाया था, वह आपका ये बनाया था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 2W दिया था लेकिन ए नहीं दिया था, और 2W देकर पीड़ित लिख दिया था, जबकि विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2WA में। अब आपका देखिए, एमपी में थोड़ा अंदर से पूछा कि पीड़ित में कौन शामिल है, अंदर से पूछा गया है, तो जिसे क्षति पहुंची है, ठीक है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का उत्तराधिकारी, उसका संरक्षक, उपर्युक्त सभी, तो संरक्षक भी शामिल है, मर गया तो उसके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, और आपका जिसे नुकसान पहुंचा है वह भी पीड़ित माना। ऐसे पीड़ितों को प्रतिकर दिलवाया जाता है, थोड़ा सतर्क रहेगा, जोड़ते रहेगा, 357 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम बनेगी, 357A में। महत्वपूर्ण इसलिए है, ये पीड़ित कुछ मामलों में अब अपील भी कर सकते हैं, अगर अभियुक्त को कम दंड दिया गया है या अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है, तो ये पीड़ित क्या कर सकते हैं, अपील कई जगह। कब जोड़ा गया ये, 2008 में जोड़ा गया, और 31/12/2009 से लागू है। यही क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, कब संशोधन करके ऐड किया गया 2008 में, और कब से लागू है, 31/12/2009। इसके बाद आइए आपका, देखा जाए सेक्शन 2 सबसे बड़ा था, इसके बाद सेक्शन 3, निर्देशों का अर्थ लगाना। आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफरेंस, निर्देश का अर्थ लगाना में 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है 3 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा सेपरेशन ऑफ पावर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से पृथक करती है, तो आप 3 मारिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथककरण का सिद्धांत की धारा में है, 3 में। निर्देश का अर्थ लगाना का मतलब थोड़ा समझिए, जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट शब्द सीआरपीसी में आए, इसका मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ। कौन मजिस्ट्रेट? अगर आपका कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखना होगा, तो स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखा रहेगा, और नहीं तो जैसे मजिस्ट्रेट आ जाए तो कौन सा मजिस्ट्रेट? न्यायिक। यही निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा, जिले में मजिस्ट्रेट अलग होते हैं, महानगर में अलग, जिले में आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। एक और आपका थर्ड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट था, यानी कि आपका 1974 के पहले एक पुरानी सीआरपीसी में तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट था, जिसे इस कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और तृतीय वर्ग का पावर पूछ लेगा कि किस में समाहित है, तो द्वितीय वर्ग में, जिले में द्वितीय वर्ग, और महानगर क्षेत्र आएगा तो महानगर मजिस्ट्रेट, क्योंकि वहाँ तो प्रथम द्वितीय होते नहीं, आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
इसके बाद धारा 3 से क्वेश्चन ये बन सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करेंगे और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन सा कार्य करेंगे? कार्यपालक आपका कार्यपालकीय कार्य करेंगे। तो खंड 4 महत्वपूर्ण है, बहुत विस्तृत पढ़ना है, तो धारा 3 का कौन सा खंड पढ़िएगा? 4। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कौन न्यायिक कार्य होगा, कौन कार्यपालकीय कार्य होगा। तो खंड ए वाला न्यायिक और खंड बी वाला कौन सा? कार्यपालकीय। इसके बाद धारा 4, आईपीसी और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। ये उत्तराखंड में पूछा गया था कि आईपीसी के तहत जो अपराध हुए हैं उसकी जांच, विचारण, अन्वेषण, सभी कार्यवाही जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह सीआरपीसी वाली अपनाई जाएगी, ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो 4 में ये पूछा गया क्वेश्चन, किस सेक्शन में? 4 में। हाँ, अन्य विधियों के तहत जो आपका अपराध है, तो अगर अन्य विधियों में कोई प्रक्रिया अलग न दी गई हो तो ये सीआरपीसी वाली ही प्रक्रिया वहाँ भी क्या होगी? अप्लाई। लेकिन ये कब? जब उस अन्य विधि में कोई प्रक्रिया न दी गई हो अलग से, तब सीआरपीसी। इसके बाद धारा 5 आ जहाँ, ये आपका पूछ सकता है कि सीआरपीसी मुख्यतः आईपीसी के लिए ही बनी है। ये धारा 4 में आपका दिया गया है, आईपीसी में जितने अपराध हैं उनके बारे में अभियुक्त के खिलाफ जो कार्यवाही होगी। तो धारा 4 कहती है कि सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के, भाई याद करना है, उत्तराखंड में पूछा गया था आपका। धारा 2 से हमने बताया 2 क्वेश्चन, धारा 4 पूछा था 3 क्वेश्चन, और आपका 3 क्वेश्चन उत्तराखंड का इतने में आया था। इसके बाद 5 सेविंग खंड है, अलग अलग प्रक्रिया बना दी गई, अलग कानून बना दिया गया, तो सीआरपीसी वहां अप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद अध्याय 2 आ जाइए, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन मान के चलिए पूरा चांस रहता है, धारा 6 से लेकर 25 ए तक, याद रखिए 6 से ही क्वेश्चन बन जाता है कि दंड न्यायालयों का, बिहार में तो मेंस में बन गया था, कि दंड न्यायालयों के वर्गों का उल्लेख करते हुए इनके दंड देने की शक्तियों का उल्लेख करिए। यानी कि एपीओ मेंस में एक क्वेश्चन आ गया जो प्री के लिए पढ़ा जाता है, तो उसमें धारा आपका लिखना था 6, इसके बाद 28, 29 लिखना था, मुख्य रूप से दो धारा आपका, यानी कि कौन सा न्यायालय कितना दंड दे सकता है। हमें लगता है इतना में से एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, दोनों को हम कोरिलेट करके बताते हैं। देखिए धारा 6 बताती है कि हाई कोर्ट दंड न्यायालय है वो संविधान के तहत गठित होता है, वो अलग हो गया। अन्य विधियों के तहत दंड न्यायालय गठित किए जा सकते हैं, वे अलग हो गए। तो हाई कोर्ट और जो स्पेशल दंड न्यायालय गठित किए गए हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा प्रत्येक राज्य में आपका 4 प्रकार के दंड न्यायालय होंगे। आपका प्रत्येक राज्य में कितने प्रकार के दंड न्यायालय होंगे? तो हाई कोर्ट को जोड़कर कि छोड़कर, जोड़कर ना गिनिएगा हाई कोर्ट के, तो कौन कौन है वह याद रखिए, सत्र न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पूछा जाता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय धारा 6 में है कि नहीं है, किस क्लाज में? क्लाज याद रखिए लास्ट में, कौन? 4। देखिए मॉडल आपका कैसे बना है, एकदम शुद्ध रूप से बेरेक पर आश्रित रहना है। यहाँ निम्नलिखित में से किसे धारा 6 के तहत दंड न्यायालय घोषित नहीं किया गया है? देखिए ऑप्शन मैं बना रहा हूँ, सत्र न्यायालय, तो ऑप्शन देखते रहे बेरेक में है कि नहीं है ही, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ही, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है ही, इसमें दे देगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का उल्लेख धारा 6 में है? तो भाई एकदम शुद्ध रूप से बेरेक की भाषा यहाँ देखना, अपना दिमाग ना लगा दीजिएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाए, सहायक सत्र न्यायाधीश आ जाए, अपर सत्र न्यायाधीश आ जाए, ये चारों लोग धारा 6 में दंड न्यायालय के रूप में वर्णित नहीं है। तो दंड न्यायालयों का वर्ग किस धारा में बिहार में पूछा गया? 6, कितने प्रकार के? 4, लेकिन किसके छोड़कर? हाई कोर्ट और अन्य विधियों के तहत गठित न्यायालयों के अलावा। तो हाई कोर्ट की स्थापना किस कानून के तहत? संविधान। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? संविधान। अब फिर एक दो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य का सबसे बड़ा सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा तो कोर्ट ऑफ सेशन, और संविधान के तहत गठित सबसे बड़ा सुप्रीम। जैसे ही सीआरपीसी दे तो आप कोर्ट ऑफ सेशन मारिए, सीआरपीसी शब्द न दे तो सबसे बड़ा आपका देश का पूछे तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य का पूछे तो यही भरमाता है क्वेश्चन। अब आइए धारा 7 छोड़ दीजिए, धारा 8 हमने बता ही दिया, महानगर क्षेत्र कौन घोषित करती है? राज्य सरकार। आबादी 10 लाख से क्या हो? अधिक हो। और 4 शहर घोषित समझे जाएंगे आपका, यहाँ मजिस्ट्रेट अलग होते हैं, कौन कौन मजिस्ट्रेट होते हैं? तो आपका जवाब रहेगा महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेटों के नाम अलग हैं। इसके बाद धारा 9 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, देखिए कह करके आपका धारा 9 से क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। पहला आपका बनता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना सीआरपीसी के किस धारा के तहत की जाती है? ये क्वेश्चन आया धारा 9। 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, बेरक नहीं पूरा। कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सत्र न्यायालय में न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो हाई कोर्ट। अपना दिमाग न लगा लीजिएगा, कौन? हाई कोर्ट। अगर सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश भी नहीं है, अपर भी नहीं है और सहायक भी नहीं है, तो हाई कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अथराइज कर सकता है कि वह सत्र न्यायालय का कार्य करे। और यहाँ जो सीजीएम होगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब उसे सत्र न्यायालय की सभी शक्तियाँ क्या होंगी? प्राप्त। यहाँ वह मृत्युदंड भी अब दे सकता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति न रहने पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के जितने पावर हैं उस समय अब उपराष्ट्रपति को क्या रहेंगे? प्राप्त। जैसे कि उपराष्ट्रपति न रहे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर रहा है उस समय राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार का वह क्या करेगा? यूज, क्षमादान भी दे सकता है। तो किस किस को सत्र न्यायालय का जज बनाया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन ये कब? जब ऊपर वाले कौन बना सकता है? हाई कोर्ट। अगला देखिए, इसके बाद आपका धारा 9 से आपका हो गया धारा 10 सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो असिस्टेंट सेशन जज हैं वो सत्र न्यायालय के अधीनस्थ होगा, हाई कोर्ट के भी अधीनस्थ होगा, लेकिन एक क्वेश्चन भरमाता है, अपर जो सत्र न्यायाधीश हैं वह सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ, यही आपको याद करना है कि कौन नहीं होता? अपर। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पूछे जाते हैं 11 में, कौन स्थापित करेगी? राज्य सरकार। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। आपका बस एक लाइन, कौन स्थापित करेगी? राज्य सरकार। किसके परामर्श से? और इसमें नियुक्ति जो होगी मजिस्ट्रेटों की, हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट चाहे राज्यपाल चाहे तो कह सकता हाई कोर्ट से कि आयोग से कुछ क्या ले लीजिए सलाह, तो पीसीजे वाले अपना आयोग देता है, लिस्ट भेज देता है, और हाई प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, उसके बाद पूरा कंट्रोल कौन करता? हाई कोर्ट। इसके बाद आ जाए जो क्वेश्चन आपका बनता है, 13, 18 और 21 एक साथ पढ़ना है।
सेक्शन मिलाने के लिए आता है 13, 18, 21। देखिए पहले तो हेडिंग ही याद करना है। अगर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछे यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो आप धारा 13 मारिएगा। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट पूछे तो धारा 18 और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूछे 21। एक साथ आप तैयार रखेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो 13, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो आपका 18 और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 21। तीन धाराएं एक साथ। स्पेशल जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे ये आपका राज्य सरकार आपका रिकमेंड करेगी किसी व्यक्ति को जो सरकार की सेवा में हो और हाई कोर्ट को रिकमेंड करेगी और हाई कोर्ट ऐसे व्यक्ति को पावर देगा। किसका पावर? आपका माने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देगा। और आपका जो पूछा जाता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल 1 वर्ष होगा यानी कि कितने दिनों के लिए हाई कोर्ट इनको पावर दे सकता है? 1 साल। अब जो अगला क्वेश्चन आपका बना है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसके समक्ष पावर किसके समान शक्ति दी जा सकती है, किसकी शक्ति रखते हैं? तो उसमें ऑप्शन दिया था प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। यानी कि फर्स्ट, देखिए हिंदी वर्जन में हमारे बेयर एक्ट में गलत है। आप इंग्लिश वर्ग, अगर आपके बेयर एक्ट में केवल द्वितीय वर्ग हो तो वहाँ सुधार कर लेना है, इंग्लिश वर्जन देखा जाएगा, क्योंकि तो हमारे बेयर एक्ट में खुद गलती है। एक बार देख लीजिए, अगर केवल द्वितीय लिखा है आपका 13 में तो प्रथम वहाँ लिख लीजिए हिंदी में भी। यहाँ क्वेश्चन फिर एक बार देखिए कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस मजिस्ट्रेट का पावर दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन बना है। तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का पावर, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का पावर, दोनों का पावर, इनमें से कोई नहीं, दोनों मारिए। कितने वर्ष के लिए एक बार में नियुक्त होंगे? 1 वर्ष। फिर सेम नियम आपका 18 में है, एक ही अंतर है कि 13 वाले जिले में और 18 वाले महानगर क्षेत्र में नियुक्त होंगे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्योंकि महानगर क्षेत्र में आपका प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है नहीं, महानगर मजिस्ट्रेट हैं, तो महानगर मजिस्ट्रेट की सभी पावर या कुछ पावर हाई कोर्ट किसको दे सकता है? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को। ये कितने दिन के लिए नियुक्त किए जाएंगे? 1 साल। कितने दिनों के लिए, ये भी याद रखिएगा। किस धारा में पूछा गया स्पेशल मेट्रोपॉलिटन? 18। 21 आ जाइए, 21 में आपका विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि आपका राज्य सरकार नियुक्त करती है, समय का उल्लेख नहीं है। विशेष परिस्थिति में कार्य मजिस्ट्रेटों के ज़्यादा हैं तो समय कोई समय नहीं है आपका कि कितने समय के लिए नियुक्त करें। जैसे माघ मेला आया है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी पर लिखवा कर आपका तमाम लोग चल रहे हैं, तो ये राज्य सरकार ने स्पेशल तौर पर इन्हें कार्यपालकीय कार्य करने के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया है। कब तक के लिए? जब तक राज्य सरकार चाहे, 2 माह 3 माह, समय का उल्लेख नहीं है। 21 में समय का उल्लेख नहीं, ये नहीं कि 1 साल मार दीजिएगा, कोई समय नहीं है। जब तक राज्य सरकार किसको बनाएगी? जो सरकार की सेवा में, मास्टर कोई बना सकते हैं, प्राध्यापक को भी, आपका क्लर्क को भी आपका। इसके बाद आ जाइए जो मुख्य रूप से इधर पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, बीच की कुछ धाराएं आप छोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से आ जाइए 20 में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त करेगी? राज्य सरकार, और उसी में से एक को डीएम बना देगी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका 24 25 और 25 ए पढ़ना है।
24 में आपका लोक अभियोजक, इसको थोड़ा घर पर अंदर से ही पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि आपका समय कम है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट किया गया है, फिर भी 90% आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप चाहते हैं एक दो धाराएं मैं ऐसे बताऊंगा जिसको आप जाकर घर पर एक बार देख लीजिए, सही रहेगा। आपका 24 में लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है या अपर लोक अभियोजकों की, इनकी नियुक्ति सरकार करती है, केंद्र सरकार अपने मामलों के लिए, राज्य सरकार अपने मामलों के लिए। इनके लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव 7 साल होना चाहिए, विशेष लोक अभियोजक के लिए आपका 10 साल। एपीओ की नियुक्ति सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है धारा 25 के तहत आपका करती है, और 24 और 25 वालों पर कंट्रोल आपका किया जाता है धारा 25 ए में। खूब पूछा जाता है अभियोजन निदेशालय किस धारा में 25 है, किसके अंडर में होगा, तो उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान के अधीन, यानी कि गृह सचिव, उस विभाग उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण, यही क्वेश्चन बनता है। और डिटेल में पढ़ने, ये किसके लिए बना है, 24 और 25 के लिए लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक। देखिए ज़्यादा पढ़ना तो आपका भाई ऑप्शन खुला है, देख सकते हैं अंदर, लेकिन जो क्वेश्चन आ सकता है आपका वो बताया गया। इसके बाद आ जाइए आपका अगला अध्याय देखा जाए, एक क्वेश्चन अगले अध्याय से पिछली बार पूछा भी गया था, न्यायालयों का पावर, न्यायालयों की शक्ति देखी जाए। धारा 26 न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणी है, तो ट्रायल कोर्ट, पहले बताइए दंड न्यायालयों का वर्ग किस धारा में, हमने बताया 6 में, विचारण न्यायालय का वर्ग 26 में, तो ट्रायल कौन कर सकता है, तो आपका इसमें आपका जो पूछा जाता है आपका दुराचार के मामले इस समय पूछे जा रहे हैं, जो आपका कह सकते हैं कि संशोधन करके जोड़ा गया और आपका 3 बार संशोधन हुआ है। पहले आपका 2008 में इसे जोड़ा गया, फिर 2013 में आपका कुछ शब्दों को जोड़ा गया धाराओं को, फिर 2018 में भी, यानी कि 3 बार इसमें संशोधन हुआ है प्रोविजो में। अब ध्यान से समझिए थोड़ा कुछ नियम, 2-3 मिनट। आईपीसी के तहत किसी भी अपराध का विचारण कौन कौन कोर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, पिछली बार बना भी है, तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का विचारण करने की क्या रखता है, क्षमता। ये उच्च न्यायालय विचारण करता है, तो 474 जोड़ लीजिएगा, मैं बताया था पिछली बार आया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण या ट्रायल किस धारा में है, 474 में। दूसरा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, उच्च न्यायालय विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, जो कोर्ट ऑफ सेशन अपनाता है, कहाँ कहा गया है, 474। उच्च न्यायालय आईपीसी के तहत दिए गए किन अपराधों का विचारण कर सकता है, सभी, एक नहीं जितने अपराध हैं, उसके कहीं नाम उम का उल्लेख करने की आवश्यकता, लेकिन सबसे बड़ा विचारण न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हाँ ये अलग बात है कि सामान्यतः विचारण नहीं करता, लेकिन कर सकता है, विचारण निचले न्यायालय ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी। इसके बाद आपका उच्च न्यायालय पर अब 2-3 और बता दिया जाए, अगर उच्च न्यायालय विचारण करता है तो किसी अभियुक्त को कौन सी सजा दे सकता है, तो धारा 28 भी याद रखना है, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडाधि, मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक नहीं। अगला देखिए आपका दूसरा न्यायालय दिया है आईपीसी के तहत, अभी अपराध हम चल रहे हैं,
कोर्ट ऑफ सेशन आईपीसी के तहत जितने बात ना करिए भाई, आईपीसी के तहत जितने आपके अपराध हैं उन सभी अपराधों का कोर्ट ऑफ सेशन भी विचारण कर सकता है, चाहे प्रथम अनुसूची में उसका नाम विचारण न्यायालय के रूप में हो या न हो। याद रखिए सभी अपराधों का। इसके बाद अन्य कौन न्यायालय ट्रायल कर सकते हैं जिनका नाम प्रथम अनुसूची के लिस्ट में क्या है दिया है वो विचारण। इसके बाद प्रोविजो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही प्रोविजो बार बार क्वेश्चन आपका अटैक कर रहा है कि दुराचार के मामले में भाई विचारण आपका उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन कोई स्त्री हो। आपका ये कहाँ कहाँ जहाँ तक संभव, जैसे हमने बताया था आपका डोमेस्टिक वायलेंस में हमने बताया था संरक्षण अधिकारी किसे नियुक्त किया जाएगा, तो सामान यथा संभव किसको, महिला को। तो दुराचार के मामले में ट्रायल पर याद रखिएगा यथा संभव महिला द्वारा किया जाए, वह न्यायालय उस न्यायालय द्वारा जिसकी जज क्या हो, महिला। ये कहाँ कहा गया ये पूछा गया है, तो धारा 26 ए के परंतुक में, धारा 26 ये पूछा गया अंदर जाकर, धारा 26 ए के कहाँ प्रोज कब जोड़ा गया ये, तो 2008 में। कब संशोधन हुआ, 2013 में। फिर कब संशोधन हुआ, 2018 में। तीन से आपका सन याद रखना है, 2008, 2013 और 2018। कुछ धाराएं बढ़ाई गई उसी को आपका जो बाल। इसके बाद आइए आपका खंड भी देखा जाए, अन्य विध के तहत जो अपराध हैं, तो अन्य विध के तहत अपराध यानी कि जो स्पेशल ला या लोकल ला है वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है कि जैसे अन्य विधि, जैसे आपका पास्को एक्ट हो गया, फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फिर आपका अशिष्ट रूपण हो गया, फिर SC ST हो गया, ये अन्य विधियाँ। तो इन अपराधों का विचारण उच्च न्यायालय कर सकता है, सभी अपराधों का, चाहे उसका नाम हो या, याद रखिए सभी अपराधों का कौन कर सकता है, हाई कोर्ट पर कोई रोक नहीं। अन्य ऐसे न्यायालय कर सकते हैं जो उस कानून में दिए गए हैं, और अगर उस कानून में नहीं दिए गए हैं तो प्रथम अनुसूची के CRPC के सेकंड खंड में जो न्यायालय दिए गए हैं वे ट्रायल करेंगे। तो आप लोग बताइए, कल डोमेस्टिक वायलेंस ही बताया गया तो न्यायालय दिया गया है कि नहीं दिया गया है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्रों में, महानगर, तब CRPC काम नहीं करेगी, वहाँ कौन करेंगे, यही दोनों न्यायालय, और सजा भी आपको बताई गई थी। इसके बाद धारा 27 आ जाइए, किशोरों के मामले में अधिकारता, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है भाई कि किशोरों के मामले में अधिकारता का उल्लेख की धारा में 27, किशोर कौन माना जाएगा, ये याद रखिए। देखिए थोड़ा बैरेट की भाषा, यहाँ उल्टा नियम यहाँ थोड़ा चलेगा अन्य कानूनों से। देखिए, वह व्यक्ति जुनाइल या किशोर यहाँ माना जाएगा जब वह न्यायालय में हाजिर होता है अभियुक्त या लाया जाता है तो उसकी एज 16 वर्ष से कम है। देखिए आपका अन्य कानून में ना जाइएगा, अगर CRPC की धारा 27 पूछे कि जुनाइल किसे माना जाएगा तो 18 ना मारिएगा, जो 16 से जिसकी एज क्या हो, कम। ये 16 से कम की गणना अपराध करने के दिन की जाएगी कि न्यायालय में हाजिर होने के दिन, नहीं अपराध नहीं, देखिए यही गलती होता है, न्यायालय में, फिर हम बता दें उल्टा नियम थोड़ा चल रहा है, सामान्यतः 18 होता है कम, और वो भी अपराध करने के दिन, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा नियम है इसीलिए भरमाता है, फिर हम एक बार बता रहे हैं। पहला नियम ये देखिएगा कि एज 16 से कम देगा, 15 से कम, 16 से कम, 18 से कम, इनमें से कोई नहीं, तो 27 में 16 से कम रटे रहिए,
कब ये एज काउंट की जाएगी 16 से कम, जिस दिन अपराध किया था उस दिन से नहीं, जिस दिन वह न्यायालय में लाया गया पकड़कर या स्वेच्छा से हाजिर हो गया तब। यही आपका पॉइंट याद करना है, यही गलती होती है तो ट्रायल। अब अगला एमपी का क्वेश्चन कि ट्रायल किसके द्वारा ऐसे बालकों द्वारा किए गए अपराध का होगा, तो तीन नियम बताए गए हैं, ये पूछा गया एमपी में। पहला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, दूसरा बालक अधिनियम 1960 के तहत गठित आपका न्यायालय कर सकता है, और तीसरा किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण पुनर्वास के लिए अगर कोई अलग कानून बन गया और उस कानून में न्यायालय अलग दे दिया गया तो वह न्यायालय। जैसे कि दो कानून हम बता रहे हैं इसके लिए, एक तो आपका जो मैंने एक कानून मुख्य रूप से है आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015, वहाँ आपका दिया गया है किशोर न्यायिक बोर्ड, वो भी न्यायालय है। कौन सा? किशोर न्यायिक बोर्ड। तो तीन ऑप्शन याद रखिए। इसके बाद 28 देखिए, एक क्वेश्चन 28-29 से पिछली बार बना था, 28 में ये है कि न्यायाधीश कितना सजा दे सकते हैं, तो फिर एक बार याद कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 28 में न्यायाधीश, 29 में मजिस्ट्रेट। एक क्वेश्चन यहाँ बनने का चांस रहता है, पिछली बार बना भी है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं बना था, लेकिन सब याद करना है। देखिए एक बार एक एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट तो भाई आपका बड़ा कोर्ट है, वह कोई भी सजा दे सकता है जो कानून में दी गई है, उसको कहते हैं विधि द्वारा विहित कोई भी दंडा दे। हाई कोर्ट के बारे में जरूर धारा 28 में है कि हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, फिर आपका सत्र न्यायालय के बारे में है कोई भी दंड दे सकता है लेकिन मृत्यु दंड देता है, तो किसके द्वारा पुष्टि? हाई कोर्ट द्वारा। फिर अपर सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश के बराबर पावर रखेगा। फिर सहायक पर ही पूछा जाता है जो असिस्टेंट सेशन जज है, तो अगर सीधे सीधे आए 7 साल दे सकता है, 10 साल, 15 साल, तो सीधे क्वेश्चन आए तो 10 साल मारिए, लेकिन सीधे आएगा नहीं, ये भी याद रखें, सीधे आए तो 10 साल मार कर आइए। अब बेरेट की भाषा यही काम करेगी, वही बेरेट की भाषा याद करके जाना है। देखिए क्या कहा गया है, बेरेट की भाषा याद रहे, बहुत उलझाऊ क्वेश्चन यहाँ बनता है, लोग गलत करके आते हैं। सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय, सिवाय मतलब बाहर कर दीजिए उसको, छोड़कर, छोड़कर मतलब इसको हटाकर, तो कौन कौन दंड हटा दीजिए, मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से, तो कौन सा दंड अब दे सकता है, 10 साल या 10 साल से कम, यही एक लाइन याद करना है। लेकिन डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऐसे ना आप जानिएगा, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस मॉडल से आपको देखना है। पहली वरीयता बेयर एक्ट को देनी है मैं बता दूं, और यहाँ आपका शुद्ध रूप से बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन बना है, ये भी याद रखिए। अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन बने तो अधिकतम कितना साल? 10। इसके बाद 29 आ जाइए, मजिस्ट्रेट पिछली बार बना ही था, तो मजिस्ट्रेट बस एक एक लाइन याद करना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अनलिमिटेड दे सकता है। इसके बाद आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना असीमित, कोई सीमा नहीं है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और ₹10,000 तक जुर्माना। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका 1 वर्ष तक का कारावास और कितना जुर्माना? ₹5,000। महानगर क्षेत्र में थोड़ा आ जाइए, अब महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना असीमित। महानगर मजिस्ट्रेट को थोड़ा सतर्क रहना है, 3 वर्ष तक का कारावास
और जुर्माना 10,000। तो महानगर मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 10,000। इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए। लगभग मान के चलिए कि इतने में हमें लगता है 2 या 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर से मिलने का चांस है। कल आपका और स्पीड बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा। देखिए, हम मैसेज कर देंगे आईपीसी, वहीं लोग मांग कर रहे हैं ज़्यादा, तो अभी आपका हो सकता है शाम से आज आईपीसी ही एक सब्जेक्ट लग जाए, क्योंकि माइनर सही बात है कि 2 या 3 नंबर का आएगा। माइनर हो भी गया है, एक माइनर जो बचा है उसको 10-15 मिनट मेन भले बता दिया जाए, ताकि आईपीसी एक बार आपका भाई दिमाग में 300-350 धाराएं बैठाई जाए कम से कम। तो जैसा होगा मैसेज किया जाएगा, भाई हम विचार कर ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिन आज से बचा, अगर शाम को चले 3 दिन में 300 हो जाएगा। हाँ, माइनर नहीं, 10-15 मिनट में एक जो छूटा है वो भी करा दिया जाएगा।